नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष और मैं हूं आपके साथ अनूप आकाश वर्मा। मोटा अनाज कभी गरीबों का भोजन माना जाता था, लेकिन सेहत को लेकर बढ़ती चिंता ने इस ओर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींचा है और अब गरीबों का ये भोजन अमीरों की पसंद बन गया है। सेहत के लिहाज से अच्छा होने की वजह से ही मोटे अनाजों ने गेहूं की हैसियत को कम कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसके बारे में बात कर चुके हैं। पीएम मोदी ने सोमवार को कहा कि मोटे अनाज की डिमांड पहले ही दुनिया में बहुत अधिक थी, अब कोरोना के बाद से ये इम्यूनिटी बूस्टर के रूप में सामने आया है। मोटे अनाजों में फाइबर और अन्य पोषक तत्व की भरपूर मात्रा होती है। दरअसल दुनिया ने सेहत के लिहाज से मोटे अनाज के महत्व को समझा है और अब इसे उगाना भी फायदेमंद हो गया है। मजे की बात यह है कि गेहूं से ज्यादा कीमत इसकी मिलती है बाजार में और इसे कम उपजाऊ भूमि में और कम पानी में उगाया जाता है। जाहिर है इससे किसानों की आमदनी भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इसके महत्व को इस तरीके से समझा जा सकता है कि केंद्र सरकार ने 2018 को मोटा अनाज वर्ष के रूप में मनाया था और यही नहीं, यूनाइटेड नेशन के खाद्य और कृषि संगठन ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित करने के भारत के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, ताकि दुनिया भर में इन पोषक अनाजों की थाली में वापसी को लेकर जागरूकता बढ़ाई जा सके। हालांकि जानकार ये मानते हैं कि हरित क्रांति के बाद मोटे अनाज कहीं ना कहीं हमारी थाली से दूर होते गए और खाद्य संपन्नता जो हमारी आई है उसकी वजह से मोटे अनाज को थाली से दूर कर दिया गया। दरअसल इसमें गेहूं और चावल में ज्यादा स्वाद मिला और ये पौष्टिक अनाजों को रिप्लेस करता चला गया। 90 के दशक के बाद इसमें ज्यादा तेजी आई। वैज्ञानिक समुदाय ने भी इस पर काम नहीं किया और इसलिए किसानों ने ऐसी फसलों को उगाना बंद कर दिया। लोगों ने इसे गरीबों का खाद्यान्न कहकर उपेक्षित कर दिया। हालांकि आदिवासी क्षेत्रों में इसकी पैदावार लगातार होती रही। हालांकि जानकार ये मानते हैं कि जब थाली से मोटा अनाज गायब हुआ तो इसका असर सेहत पर भी पड़ा, लेकिन अब चूंकि सेहत को लेकर चिंता एक बार फिर बढ़ गई है और इम्यूनिटी बूस्टर के तौर पर मोटे अनाज को देखा जा रहा है, तो ऐसे में एक बार फिर हमारी थाली में मोटे अनाज की जो जरूरत है उसे समझा जा रहा है। खासतौर पर अमीर लोग इसे खाना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। भारत की पहल पर खाद्य और कृषि संगठन के फैसले के बाद समाज में उपेक्षित रहे मोटे अनाजों की मांग और प्रतिष्ठा दोनों बढ़ेगी। सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि PDS में गेहूं चावल की जगह मोटे अनाज भी देने चाहिए। इससे न सिर्फ कुपोषण में कमी आएगी बल्कि किसानों की आमदनी भी बढ़ेगी। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने मोटे अनाज के उत्पादन को लेकर यह अनुमान जताया है कि 2020-21 में 49.36 मिलियन टन उत्पादन मोटे अनाज का किया जाएगा। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 2015-16 से 2019-20 तक इसका औसत उत्पादन 44.01 मिलियन टन था। मोटे अनाज के तौर पर ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, कोदो, सावा, कुटकी आदि शामिल होते हैं जो पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। गेहूं और धान के मुकाबले मोटे अनाजों की हैसियत अधिक है, इसलिए बाजार में इसके लिए उपभोक्ता को ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं। केंद्र सरकार ने 2020-21 में मोटे अनाज की जो MSP तय की है उसमें ज्वार की कीमत 2620 रुपये प्रति क्विंटल है। बाजरे की बात करें तो बाजरे की 2150 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित MSP इसकी है, लेकिन अगर वहीं हम रागी की बात करें तो रागी की 3295 रुपये प्रति क्विंटल जो कीमत है, जो MSP है, वो निर्धारित की गई है। गेहूं इनमें सस्ता है। गेहूं की कीमत 1975 रुपये प्रति क्विंटल तय की गई है, जो कि मोटे अनाज की तुलना में काफ़ी कम है। कोदो की कोई MSP नहीं है, लेकिन फिर भी कोदो खुले बाजार में तकरीबन 150 से 200 रुपये प्रति किलो तक बिकता है। ज्वार का सबसे ज्यादा उत्पादन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में होता है। वहीं बाजरा राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा पैदा किया जाता है। जौ की पैदावार सबसे ज्यादा राजस्थान, उत्तर प्रदेश में है, तो रागी कर्नाटक और उत्तराखंड में उगाई जाती है। जई यानी कि ओट्स, जो हम सुबह खाते हैं, जिसे काफी पौष्टिक माना जाता है और पौष्टिक है भी, फाइबर इसमें बहुत ज्यादा होता है। क्या आप जानते हैं कि पहले इसकी जो खेती होती है वो सिर्फ जानवरों के लिए की जाती थी, लेकिन अब इंसान खाते हैं। ये मोटा अनाज है जो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।